आचार्य, दुर्द्रा यूं ही चिंतित हो रही थी। देखिए, धनानंद अपनी सेना के साथ आ रहा है। तारिणी के साथ जैसा निर्धारित हुआ था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब हमें केवल उनका मार्ग अवरुद्ध करना होगा। क्या क्या हुआ आचार्य? धनानंद इस सेना का नेतृत्व नहीं कर रहा है। क्या? अर्थात दुर्धरा का संदेह सही था। तारिणी ने हमें सावधान नहीं किया कि धनानंद उत्तरी नहीं दक्षिणी दिशा से आ रहा है। मां, आचार्य का संदेह सही था। धनानंद ने उत्तरी दिशा की जगह दक्षिणी दिशा से कूच किया है। आगे हमारे महामाते, देखिए तो कौन फंसा है हमारे जाल में। वो शिकार जो स्वयं को शिकारी समझने की भूल कर बैठा। आक्रमण! 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 इतिहास सब कुछ जानता है, पर कुछ घटने से पहले अंधज्ञ होता है। और आने वाला इतिहास इस तथ्य से अंधज्ञ था कि ऐसा कठोर निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने अदम्य साहस और कटिबद्धता का परिचय दिया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब भारतवर्ष के भावी सम्राट ने अपनी माँ की नहीं, मातृभूमि की रक्षा को प्राथमिकता दी। मेरी सेना से युद्ध करना एक बात है मूरा, और मुझसे युद्ध करना दूसरी। तुम्हें अभी इसी क्षण इसका आभास हो जाएगा। मत भूलो धनानंद, मैं भी एक क्षत्राणी हूँ। तो इतनी वर्षा से तुम्हारी यातनाओं से नहीं टूटी, वो अब तुम्हारे सामने क्या झुकेगी? आगे बढ़ो, करो प्रहार। तुम्हारे समक्ष तुम्हारी दासी नहीं, पीपली वन की महारानी खड़ी है। तुम्हारी हर यातना का प्रतिकार लेने आगे बढ़ो, करो प्रहार। ये मुझसे मेरे पति, मेरे महाराज को छीनने के लिए। ये मुझे अपने महल में दासी बनाकर रखने के लिए, मेरे मान सम्मान को खंडित करने के लिए। और अब ये उन सभी यातनाओं के लिए जो तुमने मुझे दिए धनानंद। Thank you.
महामहिम, ये चंद्रगुप्त द्वारा घटित पांचाल और सिंध की प्रजातियों की सेना है। अर्थात उस कुटिल चाणक्य को पहले से आभास था कि हम पश्चिमी छोर से आक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए उसने अतिरिक्त सेना सज्ज रखी। निसंदेह धनानंद, मुझे मेरे पुत्र ने वचन दिया था। धनानंद, आज सूर्यास्त से पूर्व पीपली वन के महल पर मौर्य वंश की ध्वजा लहराएगी और मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र ने जन्मभूमि का ऋण अवश्य चुकाया होगा। विकल्प है तुम्हारे पास, आत्मसमर्पण या मृत्यु। बचाइए भ्राता पांडु कैरुवर्द, मेरी रक्षा कीजिए। सम्राट ने हमें यहाँ एक लक्ष्य के लिए भेजा है, हमें किसी भी प्रकार पीपली वन महल की रक्षा करनी है। भ्राता, अपने स्वार्थी भाई के सपनों की रक्षा करने से उचित यह होगा कि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं। चलो। नहीं भ्राता, रुकिए भ्राता, मेरी रक्षा कीजिए भ्राता, भ्राता मुझे छोड़कर मत जाइए भ्राता। तुम्हें पता होना चाहिए, या चाहे कुछ भी हो जाए, मां को दिए अपने वचन से मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीपली वन को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुको रुको, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कोई महत्वपूर्ण जानकारी है? धनानंद का एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ उसके और हम भाइयों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। चंद्रगुप्त, तुम महारानी मूरा के पास जाओ, इसे हम बंदी बना लेंगे। जाओ। जी आचार्य। माँ महिम, चलिए यहाँ से। इस समय हमें पीछे हट जाना चाहिए और अपनी दूसरी सेना के साथ जाकर मिल जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मूरा को परास्त करना असंभव है। ना ना महामाते, आप जानते हैं इन अभिमानी लोगों की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? जीवन से जुड़ाव, उनसे प्रेम इनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। और मेरी सबसे बड़ी शक्ति है कि मेरे लिए विजयी होने से बड़ा और कुछ नहीं, ना किसी के प्राण और ना किसी का जीवन। समझ गया मामहिम, आपके संकेत के लिए मैं सज्ज रहूंगा। जानती थी तुम केवल छल करना जानते हो धनानंद। इतिहास वही लिखते हैं मूरा जो विजयी होते हैं। तुम्हारे लिए जो छल है, इतिहास से मेरा बल कहेगा।
यहां से। वैसे भी आपकी जीत हुई और इस मूरा का बचना असंभव है। चलिए। माँ, ये क्या हुआ माँ? मुझे बताओ चंद्र, तुम हमारी जन्मभूमि को मुक्त करा दिया ना चंद्र? हाँ बताओ चंद्र, जन्मभूमि को हाँ, हम पीपली वन पर विजय प्राप्त कर ली ना? बताओ चंद्र। हाँ माँ, हम विजयी हुए। चलो चंद्र, मुझे घर ले चलो चंद्र, मुझे पीपली वन के महल पर विजय पताका लहराती देखनी है चंद्र, मुझे घर ले चलो। हाँ माँ। क्या हो गया? हमारी ध्वजा लॉस्ट हो। मातृभूमि के प्रति अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा।
मौर्य वंश की छत्र छाया में एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करूंगा माँ, जहाँ हमारी मातृभूमि और उसकी सभी माएं हमारी यातना से मुक्त होगी। वचन है आपके चंद्र का।